आदरणीय बंधुओं, माताओं व मेरी प्यारी बहनों, राधे राधे। आपका हमारी इस यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। बंधुओं, आज हम इस वीडियो में पितृ पक्ष में पितरों के निमित्त सुनी जाने वाली कथा सुनेंगे, जिसे सुनने सुनाने से पितृ पूर्वजों की आत्मा तृप्त होती है। वे उनकी कृपा घर परिवार पर आशीर्वाद के रूप में बरसती है। प्रत्येक कार्य में सफलता मिलती है, वे घर में खुशहाली आती है। कथा सुनने के बाद यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। वीडियो को शेयर व लाइक भी जरूर करें। श्रीमद् भागवत की कथा के अनुसार एक नगर में आत्मदेव नाम के ब्राह्मण रहते थे। उनकी पत्नी का नाम धुंधली था। ब्राह्मण भगवान से प्रेम करने वाला, पूजा पाठ करने वाला था। ब्राह्मण ने बहुत सा धन कमाया और अपने कमाए धन का बहुत सा हिस्सा वह दान धर्म में लगाता। क्योंकि ब्राह्मण के कोई संतान नहीं थी, वह चाहता था कि किसी तरह उसे पुत्र प्राप्त हो जाए। क्योंकि उसने शास्त्रों में पढ़ा था कि संतानहीन की गति नहीं होती। लाख प्रयत्न के बाद भी जब आत्मदेव को संतान की प्राप्ति नहीं हुई तो एक दिन दुखी हो वह जंगल में चला गया। जंगल में उसे एक संत मिले। संत को देखते ही ब्राह्मण उनके पैरों में गिरकर विलाप करने लगा। संत ने पूछा, क्या बात है ब्राह्मण देवता, इस प्रकार क्यों रो रहे हो? ब्राह्मण ने कहा कि प्रभु, मेरे जीवन में एक ही दुख है कि मेरे कोई संतान नहीं है। आप मुझे आशीर्वाद दें कि मुझे पुत्र प्राप्त हो जाए जो मेरे वंश का नाम चला सके और पितरों को भोजन पानी दे सके। संत ने उसके मस्तक की रेखा देखते हुए कहा कि हे ब्राह्मण देव, इस जन्म में तो क्या तुम्हारे 7 जन्म तक कोई संतान नहीं है, इसलिए संतान की चिंता छोड़ो और प्रभु का चिंतन करो। लेकिन ब्राह्मण नहीं माना, बोला, प्रभु मुझे तो पुत्र दो, और बहुत आग्रह किया। तब संत ने कहा, ठीक है, मैं तुझे ये फल देता हूँ, ले जाकर अपनी पत्नी को खिला देना, पुत्र की प्राप्ति होगी। ब्राह्मण फल लेकर घर आ गया और पत्नी को देकर बोला कि ये एक संत का आशीर्वाद है, इसे खा लो, हमें पुत्र की प्राप्ति होगी। ब्राह्मणी ने पति से फल तो ले लिया लेकिन उसे खाया नहीं। सोचने लगी कि संतान प्राप्ति में कष्ट होगा, मेरी सुंदरता भी खत्म हो जाएगी, इस कष्ट को झेलने से तो अच्छा है मैं बांझ ही रह जाऊं। उसने ये बात अपनी सहेली को बताई। सहेली ने शिक्षा दी कि ये फल तो तुम अपनी गाय को खिला दो और मेरे जो पुत्र होगा वह मैं तुम्हें दे दूंगी। धुंधली ने वह फल गाय को खिला दिया और सहेली के बताए अनुसार 9 माह ऐसे बिताए जैसे उसके संतान होने वाली है। जब सहेली को पुत्र प्राप्त हुआ तो उसने लाकर धुंधली को दे दिया। पुत्र का नाम धुंधकारी रखा गया। गाय को एक पुत्र प्राप्त हुआ। उसका शरीर तो मनुष्य जैसा था लेकिन कान गाय जैसे थे, इसलिए ब्राह्मण ने उसका नाम गोकर्ण रख दिया। धुंधकारी अपने नाम की तरह ही धूर्त था। उसका लालन पालन अच्छे से किया गया, अच्छे संस्कार दिए गए, लेकिन किसी भी संस्कार का उस पर कोई प्रभाव ना पड़ा।
दूसरों को तंग करना, खेलते बच्चों को कुएं में डाल देना, हमेशा गलत कार्य करना। धीरे धीरे बड़ा होने पर उसके ये कौतुक बढ़ते गए। मदिरा पान करना, जुआ खेलना, पर स्त्री गामी और माता पिता को उसने सताना शुरू कर दिया। पिता द्वारा कमाया धन नष्ट कर दिया, माता पिता को मारने भी लगा। एक दिन ब्राह्मण दुखी होकर सोचने लगा, ऐसे पुत्र से तो पुत्र का ना होना ही अच्छा था। संत ने सही ही कहा था, यदि संत की बात मान ली होती तो ठीक ही रहता। वह इस चिंता में बैठा था कि गोकर्ण ब्राह्मण के पास आया और कहा, पिताजी आप किस चिंता में बैठे हो? ब्राह्मण ने अपने दुख का कारण बताया। गोकर्ण ने कहा, अब ये समय चिंता का नहीं, प्रभु के चिंतन का है। गोकर्ण द्वारा दिए ज्ञान से प्रभावित होकर आत्मदेव घर बार छोड़कर बद्रीनाथ चले गए और वहीं प्रभु के नाम का सिमरण करते हुए शरीर त्याग दिया। पिता के जाने के बाद धुंधकारी ने माँ को सताना शुरू कर दिया। एक दिन माँ ने भी दुखी होकर कुएं में छलांग लगाकर अपने प्राण त्याग दिए। गोकर्ण भी माँ के जाने के बाद तीर्थों पर निकल गए। अब घर में केवल धुंधकारी था। अब तो पूरी तरह वह अपने मन की करने लगा। उसने घर में वैश्याओं को लाकर रख लिया। एक दिन वैश्याओं ने सोचा, इसे मारकर इसका धन लेकर भाग जाना चाहिए। रात को जब वह मदिरा पान करके सो रहा था तो वैश्याओं ने उसके गले में रस्सी डालकर उसे लटका दिया और जब वह मर गया तो घर के आंगन में ही खड्डा खोदकर उसे दबा दिया और सारा धन लेकर भाग गई। धुंधकारी की अकाल मृत्यु होने के कारण उसकी मुक्ति नहीं हुई और वह प्रेत योनि में आ गया। घर में इधर उधर भटकता फिरता। जब गोकर्ण जी तीर्थ करके लौटे तो उन्हें अलग अलग रूप में दिखाई देने लगा। गोकर्ण जी विद्वान थे। उन्होंने गायत्री मंत्र पढ़ते हुए जल का छींटा दिया और पूछा कि तुम कौन हो? तो उसने बताया कि आपका भाई धुंधकारी। आपने मुझे बहुत समझाया लेकिन मैंने आपकी एक ना मानी, हर बुरा कर्म किया जिसका फल मैं आज प्रेत बनकर भोग रहा हूँ। मैं बहुत कष्ट में हूँ। गोकर्ण जी ने कहा, मैंने तो तुम्हारे नाम की शांति गया जी में करवाई। तब धुंधकारी बोला, मेरे पाप बहुत बड़े हैं, गया जी में मुक्ति करवाने से भी मुझे मुक्ति नहीं मिली, कुछ और उपाय सोचो। गोकर्ण जी ने कहा, ठीक है तुम जाओ, मैं कुछ सोचता हूँ। सुबह गोकर्ण जी उठे, नित्य नैमित्तिक कार्य किया, फिर स्नान कर सूर्य भगवान को जल अर्पित कर गायत्री मंत्र जपने लगे और साथ में धुंधकारी की मुक्ति कैसे हो इस पर भगवान से प्रार्थना करने लगे। तभी आकाशवाणी हुई, सूर्य भगवान ने कहा, श्रीमद् भागवत कथा इसे सुनाओ, इसकी मुक्ति हो जाएगी। गोकर्ण जी ने श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन किया, नगरवासी भी कथा सुनने आए। धुंधकारी की आत्मा भी कथा सुनने पहुंची और वहां पड़े एक बांस में प्रवेश कर कथा सुनने लगी। पहले दिन की कथा समाप्ति पर बांस की एक गांठ फट गई, दूसरे दिन दूसरी और तीसरे दिन तीसरी और सातवें दिन की कथा समाप्ति पर सातवीं गांठ फटी
और धुंधकारी साक्षात भगवान कृष्ण के रूप में प्रकट होकर खड़ा हो गया। देवलोक से देवता फूलों की वर्षा करने लगे भगवान के पार्षद आए और उसे ले जाने के लिए। धुंधकारी ने भागवत जी को प्रणाम करते हुए कहा, आप धन्य हैं, आपकी कथा का श्रवण कर मुझ जैसा पापी भी मुक्ति को प्राप्त हुआ। नगर वासियों से बोला, मैं वही पापी धुंधकारी हूँ जिसने पाप करने में कोई कसर नहीं छोड़ी, लेकिन आज इस भगवत रूपी अमृत कथा को श्रवण कर मैं मुक्ति को ही प्राप्त नहीं हुआ बल्कि भगवान कृष्ण के स्वरूप को भी प्राप्त हुआ हूँ। ये कहकर जब धुंधकारी विमान पर बैठकर प्रस्थान करने लगा तो गोकर्ण जी बोले, मैंने भागवत रूपी कथा को सुनाया, सब नगर वासियों ने भी इस कथा का श्रवण किया, लेकिन भगवान का ये विमान केवल धुंधकारी के लिए ही क्यों आया, हम सब के लिए क्यों नहीं आया। तब भगवान के पार्षद बोले, गोकर्ण जी, केवल कथा में आकर बैठने से ही लाभ प्राप्त नहीं होता, शरीर के साथ मन को भी सब विषयों से हटाकर कथा में लगाना पड़ता है, तब इसका संपूर्ण फल प्राप्त होता है, केवल कथा में आकर बैठना ही फल नहीं देता। धुंधकारी दिन भर कथा का श्रवण करता और रात भर इसका चिंतन, तब उसे ये फल प्राप्त हुआ है और यहाँ उपस्थित प्रत्येक श्रोता का तन तो कथा में था लेकिन मन विषय विकारों में। तब गोकर्ण जी बोले, तो फिर हमारा उद्धार कैसे होगा। पार्षदों ने कहा, फिर से कथा का आयोजन कीजिए और पूरी तरह से भगवान के चिंतन में डूबकर कथा का श्रवण कीजिए। गोकर्ण जी ने फिर से कथा का आयोजन किया। हर किसी ने कथा का श्रवण पूरी श्रद्धा और भक्ति भाव से किया। सातवें दिन कथा की समाप्ति पर भगवान स्वयं अपने पार्षदों के साथ प्रकट हुए। देवलोक से फूलों की वर्षा हुई। भगवान कृष्ण ने गोकर्ण जी का आलिंगन किया। गोकर्ण जी कृष्ण रूप हो गए और सब विमानों पर बैठकर बैकुंठ को जाने लगे। और इस बार केवल नगरवासी ही नहीं बल्कि नगर में रहने वाले पशु पक्षी कीट पतंगे सब मुक्ति को प्राप्त कर बैकुंठ को चले। धुंधकारी ने अपने कर्मों के द्वारा पूरे नगर को नरक बनाया, लेकिन संत के फल से प्राप्त पुत्र ने अपने साथ साथ सारे नगर को बैकुंठ दिलाया। इसलिए बंधुओं, संत की गई सेवा कभी निष्फल नहीं होती। बोलो श्रीमद् भागवत भगवान की जय। बंधुओं, भगवान श्री हरि की कृपा आप वे आपके परिवार पर सदैव बनी रहे, आपका घर आंगन खुशियों से महकता रहे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे।